नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से FY17 अर्निंग स्पेशल में। कल इसी समय हमने FY17 अर्निंग स्पेशल में बातचीत की थी कुछ सेक्टर्स की, यानी करीब करीब पांच ऐसे सेक्टर थे जिसमें हमने बातचीत की, जिसके अंदर IT कैसे नंबर दिखा सकता है, उसके अलावा मेटल और साथ साथ बैंकिंग किस तरह के आंकड़े इनसे आ सकते हैं, उसके अलावा फार्मा एक और ऐसा सेक्टर था जहां पर हमने बातचीत की और किस तरह के नंबर्स की उम्मीद यहां पे लगाई जा सकती है। तो इन सभी सेक्टर्स में हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि इन सेक्टर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो किन कंपनियों को आपको चुनना होगा। नतीजों के लिहाज से दो जानकार हमारे साथ कल भी मौजूद थे और आज भी दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं आज के इन्हीं सेक्टर्स पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मिस्टर सिद्धार्थ सिदानी है बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ दलजीत कोहली भी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नंबर्स के लिहाज से किन सेक्टर्स में निवेश करना बेहतर रहेगा और किन सेक्टर्स को लेकर आपको दूर रखना होगा अपने पोर्टफोलियो से। लेकिन इन सबसे पहले एक बार जो एक आंकलन लगाया जा रहा है कि निफ्टी 50 में जो ग्रोथ है वो करीब करीब 13% के आसपास की बॉटम लाइन में और 9% के आसपास की आय फ्रंट पे ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है मेजरली। और जो आंकलन है उसके लिहाज से बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रहेगी और पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब रह सकती है। मेटल में रियलाइजेशन फंड को थोड़ा लेकर थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन सेलेक्टिव कंपनी जो है वो अच्छे प्रदर्शन कर सकती हैं। IT को लेकर हेडविंड्स रुपए का जरूर रहेगा, लेकिन टेलविंड बाकी करेंसी तरफ से आता दिखाई पड़ेगा और मिड कैप शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडिसेस के। HCL ज़्यादातर जानकारों ने माना था कि बेहतर कंपनी है इस पूरे स्पेस को लेकर। चले तो रही कल की बात जिन सेक्टर्स में हमने बातचीत की, लेकिन आज के नए सेक्टर्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जानकार मौजूद भी रहेंगे। सिद्धार्थ सिदानी मौजूद है। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो निफ्टी को लेकर आपका आउटलुक क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि इस तिमाही की जो अर्निंग सीजन है ये कंपेरेटिवली Q3 के बेहतर रहेगी? और क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी है तो पिछले साल के मुकाबले इस साल के जो नंबर्स हैं वो थोड़े बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। नमस्कार। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो लग रहा है कि Q3 Q4 के जो अर्निंग्स आएंगे वो मोर और लेस Q3 के बराबर ही होने चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन में ट्रैक्शन ज़रूर होना चाहिए, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि Q4 के अर्निंग्स अच्छे आने की उम्मीद जो है ये मार्केट में एक थोड़ा सा प्राइज्ड इन ज़रूर है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे अभी है वहाँ पे एक एलिवेटेड लेवल में सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्राइज इन ज़रूर हो गया है। सबसे अहम चीज़ रहेगी कि आउटलुक FY18 का क्या रहता है कंपनी से कंपनी और सेक्टर से सेक्टर। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम मानते हैं कि IT और फार्मा में जिस हिसाब से Q3 में भी हमने कुछ कमज़ोर नंबर आंकड़े देखे थे, वैसे ही Q4 में भी कमज़ोर आंकड़े आ सकते हैं IT और फार्मा के द्वारा। जी, तो IT फार्मा हाउस ने प्रेशर दिखाया इस तिमाही के अंदर भी, ऐसा भी सिद्धार्थ का मानना है। सिद्धार्थ, एक बैंकिंग स्पेस को लेकर कि बैंक में अनुमान लगाया जा रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके नंबर थोड़े बेहतर रहेंगे कंपेरेटिवली PSU के, और PSU में भी इंडिविजुअली जो बड़ी बैंक्स हैं उनमें नंबर्स उतने अच्छे नहीं होंगे जितने छोटे बैंक हैं, जैसे पिछली बार हमने देखा विजया बैंक, इंडियन बैंक जैसे बैंक परफॉर्म करे गए। आपका आंकलन क्या कहता है, बैंक में किस तरह सेग्रीगेट किया जाए? देखिए, बैंकों की अगर बात कर रहे हैं तो जो आप PSU बैंक की बोल रहे हैं, हम मानते हैं कि लार्ज कैप बैंक्स में थोड़े बेहतर नंबर आ सकते हैं, स्लिपेजेस एटलीस्ट कंट्रोल में रहेंगे। कंपनीज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम मानते हैं कि यहाँ पे आंकड़े अच्छे आएंगे और Q3 में भी आंकड़े अच्छे आए थे। प्राइवेट बैंक में जैसे कि हमारा कवरेज भी है येस बैंक और इंडसइंड बैंक, और प्राइवेट बैंक में जो सारी कंपनियाँ रिटेल स्पेस में ज़्यादा एग्रेसिव है उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अब येस बैंक की बात कर ले तो Q3 में 38 से 39% का लोन बुक ग्रोथ देखने मिला था। हम मानते हैं कि ये रन रेट ज़रूर बरकरार रह सकता है, तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, कोटक की बात करें या इंडसइंड या येस बैंक की बात करें। जी चलिए, अब आज के सेक्टर्स की अगर शुरुआत करें तो पहला सेक्टर जो है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस। कैपिटल गुड्स स्पेस में स्पेशली BHEL जैसी कंपनी जो कि पिछली तिमाही में भी वहाँ पर नए ऑर्डर्स के जो मिले थे उसकी वजह से कुछ सस्टेन कर गए थे, लेकिन इस बारी थोड़ा सा स्लगिश परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाई जा रही है। ऑर्डर इन्फ्लोज को लेकर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है और अदरवाइज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है। आपका क्या मानना है सिद्धार्थ, कैपिटल गुड्स स्पेस में कंपनियां बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ बहुत दिग्गज कंपनियां ज़रूर शामिल हैं, थर्मैक्स, BHEL, L&T, ABB, सीमेंस जैसी कंपनियां हैं इस पूरे स्पेस के अंदर, ऐसा क्या लगता है आपको किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं और इस स्पेस में आपकी पसंद किन कंपनियों पर है? देखिए सुमित, ओवरऑल कैपिटल गुड्स स्पेस में हम मानते हैं कि आंकड़े अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि बेस इफेक्ट का भी एक बात है,
बेस काफ़ी लोअर रह चुका है पिछले एक साल में, तो यहाँ पे बेस इफेक्ट के कारण एक YOY ग्रोथ ज़रूर दिखने मिल सकता है। अब कंपनीज लाइक अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो BHEL के हम ऑर्डर बुक दिखना चाहेंगे, एग्जीक्यूशन तो भी अभी उतना रिवाइवल नहीं दिख रहा है, बट अगर ऑर्डर बुक में अगर कुछ मजबूती आए तो ये बेहतर नंबर कहलाए जाएंगे। ओवरऑल कैपिटल गुड स्पेस में हम मानते हैं कि सीमेंस ABB के भी आंकड़े ठीक ठाक आ सकते हैं, और हमारी जो पसंद है कैपिटल गुड स्पेस में वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। हम मानते हैं कि किर्लोस्कर ब्रदर्स जो पंप और वाल्व्स में और एग्री इक्विपमेंट्स में लीडर है, इस कंपनी में एक टर्न अराउंड ज़रूर देखने मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने प्रोविजनिंग के कारण लॉस दिखाए थे, पर ये क्वार्टर से अब प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आने वाला साल काफ़ी अच्छा आएगा और ये क्वार्टर में भी बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो कैपिटल गुड स्पेस में किर्लोस्कर ब्रदर्स पे हम दाव लगाना चाहेंगे। जी, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स जो कि स्पेस में पसंद है सिद्धार्थ को, इसके अलावा पावर स्पेस एक और ऐसा सेक्टर है सिद्धार्थ, काफ़ी हद तक कोरिलेट करता है ये भी पूरे कैपिटल गुड स्पेस से। इसमें भी अगर अलग अलग से REC PFC कंपनियों की बात करें तो अलग बिजनेस में है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे बात करें तो कई सारी कंपनियां जैसे टाटा पावर, रिलायंस पावर जैसी कंपनियां भी आती, एयरलाइंस इन्फ्रा जैसी कंपनियां भी आती हैं। वहीं अगर जनरेशन बिजनेस में बात करें तो NTPC है, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं, तो अलग अलग सब सेगमेंट्स हैं इस सेगमेंट के अंदर भी। आपका क्या मानना है, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा इस क्वार्टर में, या जिस तरह से अब तक इतनी ग्रोथ नहीं आई है नई कैपेसिटी एडिशन की वजह से अब शायद आते हुए दिखाई पड़े, क्या आकलन है आपका इस पूरे स्पेस को लेकर? देखिए, पूरे स्पेस में जनरेशन कंपनी बेहतर तो कर रही है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि लिंकेजेस, कोल लिंकेजेस बेहतर होते चल रहे हैं, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि जनरेशन कंपनीज को नहीं लेके फाइनेंसिंग कंपनीज जिनका आपने जिक्र किया, REC PFC या फिर ग्रिड कंपनी जैसे कि पावर ग्रिड, इन सब के आंकड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं ये क्वार्टर में। हालांकि ये पूरे स्पेस में हमारा कोई प्रेफर्ड बेट नहीं है या कवरेज नहीं है, बट स्टिल हम मानते हैं कि फाइनेंसिंग कंपनीज लाइक REC PFC, पावर ग्रिड, ये बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर में। जी, क्योंकि सिद्धार्थ इसके साथ साथ जो लार्ज कैप कंपनीज की हमने बात की, लेकिन मिड कैप में BGR हुआ, KEC हुआ, इस तरह की कुछ कंपनियां जो हैं, या CESC हुआ, क्या इस तरह की कंपनियों पे बेट करें? मतलब आपका आकलन क्या है, क्या छोटी कंपनियों का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर नतीजों को हटा भी दें और अदरवाइज भी देखा जाए तो वैल्यू वाइज वो ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है, फिर फ्रंट लाइन में भी अच्छी वैल्यू अभी दिख रही है, वहाँ पर भी मिक्स एंड मैच करके पोजीशन दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एकदम वाकिफ़ हूँ कि मिड कैप स्पेस में, पावर स्पेस में ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है। कंपनीज लाइक KEC इंटरनेशनल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और अपबीट है ये कंपनी को लेके। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स जो ट्रांसमिशन में है, ये भी कंपनी बहुत उम्दा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। कंपनीज लाइक वॉल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, अब ये डेट फ्री कंपनी है, हम मानते हैं कि ये पूरे स्पेस में काफ़ी दबाव देखने मिला था पिछले 2 सालों में, अब यहां से निकल के आ रहा है पिछले 6 महीनों से, ये क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे आएंगे, आने वाले 6 महीने में 2 क्वार्टर्स में अच्छे नतीजे आएंगे। तो वॉल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स जैसी छोटी मझोली मिड कैप कंपनियों पे भी ज़रूर दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी इस जैसी कंपनियों में डेट भी नहीं है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होते चल रहे हैं। जी, तो आपको विकल्प बताए हैं, अगर आप मिड कैप में कुछ कंपनियां चुनना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर जैसी कंपनियां, वोल्टैम जैसी कंपनियां जो हैं, इनकी वैल्यू वाइज भी अच्छी हैं। रादर अगर आप वोल्टैम को ही देखेंगे तो महज 24-25 रुपये के आसपास की के 24-25 के मल्टीपल पर शेयर काम काज करो, 47-48 के आसपास का शायद EPS इसका, एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज भी है और लगातार एक अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स भी कंपनी करती रही है, तो इस तरह की कंपनियों को भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्टर्स की बात करते हैं, वो है रियल्टी और इन्फ्रा। सिद्धार्थ, रियल स्टेट और इन्फ्रा, इन दोनों में एक अलग तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। रियल स्टेट में जहाँ पर इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज जो हैं वो अलग तरह से परफॉर्म करेंगी और फ्रंट लाइन कंपनीज जो अलग तरह से परफॉर्म करेंगी। इन्फ्रा स्पेस में ऑर्डर इन्फ्लोज इनके अच्छे हैं वो तो ठीक है, जहाँ टोल कलेक्शन है उनका अलग परफॉर्मेंस होगा। आप इस पूरे स्पेस, ये बड़ा स्पेस है, मैक्रो व्यू है यहाँ पर, आप क्या राय रखते हैं इस पूरे स्पेस को लेकर, कैसे आंकड़े रहेंगे, और दूसरा इस सेक्टर में से आपकी पसंद क्या है? देखिए, रियलिटी स्पेस की अगर बात करें तो हमारी कोई पसंद नहीं है इसमें, हमारी कोई बेट नहीं है। हम मानते हैं कि रियलिटी स्पेस में ओवरऑल प्रस्पेक्टिव से थोड़े से बेहतर होंगे, कोई कोई पॉकेट्स में डीमोनेटाइजेशन का जरूर इम्पैक्ट देखने मिलेगा।
और कुछ एक पॉकेट्स में जहाँ पे 100% वाइट पे काम होता है वहाँ पे भी कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। बट रियलिटी स्पेस से अच्छा जो आपने बात की हाउसिंग जो लो कॉस्ट हाउसिंग पे है, इस चक्कर में हम मानते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे ज़रूर फोकस दिया जा सकता है, NBFCs पे फोकस दिया जा सकता है। इनमें जो हमारे प्रेफर्ड बेट्स है वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस, हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा और उम्दा परफॉर्मेंस आ सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। जी दलजीत कोहली भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया निवेश से। मिस्टर कोहली, एक अहम चीज़ इसमें हम बातचीत कर रहे हैं वो है रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में पर्टिकुलरली जिन सेक्टर्स की हमने बातचीत की उसमें कैपिटल गुड्स है, पावर है। इन दोनों स्पेस में आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है, कैसे नंबर्स की उम्मीद आप लगा रहे हैं कैपिटल गुड्स और पावर में, और यहाँ से अगर किसी कंपनी में बेट किया जाए नंबर्स के लिहाज से तो आप किसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए कैपिटल गुड्स में हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जिस तरीके का ऑर्डर एग्जीक्यूशन देखा है और जिस तरीके के ऑर्डर इनफ्लो देते हैं उसमें कोई ऐसा मेजर मूवमेंट नहीं आया है। तो जो अगर हम कैपिटल गुड्स से जो कंपनियां जोड़ते हैं DHEL, ABB, सीमेंट वगैरह, उनमें पर्टिकुलरली कोई बहुत मेजर इंप्रूवमेंट हमें नंबर्स में नहीं दिखता है। बट लेकिन इसी का एक डिराइव सेक्टर है जैसे पावर ट्रांसमिशन, तो KEC कल्पना और ये दोनों को अच्छा ट्रैक्शन मिला है पिछले दिनों में, हमने देखा है लगातार ऑर्डर मिले हैं। फायदा इस पर कि इनके जो लॉस मेकिंग डिसीजन थे उसमें काफी लॉसेस अरेस्ट हुए, तो परसेंटेज बेसिस पे आपको जो है इनके नंबर्स काफी बेटर मिलेंगे। तो हमारी प्रेफर्ड पिक्स अगर हम आज कल देखने देंगे तो कल्पतरु पावर और KEC इंटरनेशनल है। जी पावर जनरेशन को भी हम फिर नीचे चले, बिकॉज टाटा पावर है वहाँ पे प्रेफर पिक था, क्योंकि वहाँ अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वो भी नेगेटिव है, चलिए आपसे बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं दलजीत, लेकिन जो शेयर्स उन्होंने बताया उसमें KEC इंटरनेशनल एक ऐसा शेयर है, कमेंट्स और साथ साथ कुछ और कंपनियां जो उन्होंने बताई उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दलजीत एक चीज़ और भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बातचीत की और रियल स्टेट पे, रियल स्टेट में पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे भी सिद्धार्थ बात करते कि शायद रियल स्टेट से ज़्यादा फोकस हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे रहेगा, और दूसरा अगर रियल स्टेट में भी रहता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर शायद ज़्यादा अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपका मानना क्या है किस तरह के नंबर्स रियल स्टेट में आएंगे और इंफ्रास्पेस पे किन कंपनियों पे आप दाम लगा रहे हैं? रियल एस्टेट में नंबर इतनी जल्दी नहीं आते हैं जितनी जल्दी हम मार्केट में सेंटीमेंट बिल्ड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ है कि पिछले 2 महीने में लगातार घर बिकना शुरू हो गए हैं, और अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो इस बजट में बात की गई है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे, तो उसके बाद से अभी बहुत सारी कंपनी आ रही है, अभी वो प्लानिंग स्टेज पे है। तो लेकिन मार्केट में स्टॉक प्राइस जो है वो सब फ्यूचर को फैक्टर इन करते हैं, तो उसमें आपको नंबर जरूर नहीं दिखेंगे लेकिन स्टॉक प्राइस परफॉर्म करेंगे। तो वहां पर हमने जैसे आशियाना हाउसिंग हमारे पिक है, अभी हमने सनटेक रियल्टी पिछले कुछ 4-5 महीने पहले जब 280 के आसपास था उस समय IC निकाला था उसके ऊपर, तो सनटेक रियल्टी हमारा वहां पर प्रेफर्ड पिक है। नेस्को एक है जो बेसिकली रेंटल बिजनेस चला करते हैं, वहाँ पर भी हमारा प्रेफरेंस है, ओवरऑल रियलिटी है। हमें ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में भले ही अभी Q4 में नंबर्स नहीं दिखेंगे लेकिन आने वाले समय में नंबर्स बेटर दिख सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा डिमांड भी Tier 3, Tier 4 टाउन्स में भी थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू हुई है, तो उसका बेनिफिट ये जो है इन कंपनीज को मिलेगा, और मार्केट हमेशा नंबर के आने से पहले ही उसको रिएक्ट करती है। तो ये स्टॉक्स अभी सनटेक रियल्टी देखना चाहिए, ओबरॉय रियल्टी देखना चाहिए, आशियाना हाउसिंग में भी देख सकते हैं। जी चलिए आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बार इंफ्रा शेयरों को देखिए, NCC, HCC, जे कुमार इंफ्रा, अभी हम इंफ्रा पे ही बातचीत कर रहे हैं नंबर्स को लेकर, सिंप्लेक्स इंफ्रा, ये कुछ ऐसी कंपनी में एकाएक बाइंग आई है। जे कुमार इंफ्रा, NCC, HCC और सिंप्लेक्स इंफ्रा, सडन स्पाइक इन सभी शेयरों में आता दिखाई पड़ा है। NCC करीब करीब 3% अभी भी चल गया, HCC करीब करीब 4% अभी भी चढ़ा है, उसके अलावा जे कुमार इंफ्रा में 2% का मूव है और सिंप्लेक्स इंफ्रा भी करीब करीब 2% चढ़ता दिखाई पड़ा। तो सभी शेयरों को अगर आप देखें तो एकाएक बाइंग इन सभी शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी हुई है।
एक एक मूव अप देखिए, एनसीसी करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 3% के आसपास बढ़ा देखिए, 88-85 के स्तरों पर यहाँ पे कामकाज कर रहा है। दलजीत एक राय आपकी ऑयल एंड गैस पे भी चाहेंगे, ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक तरफ रखें, ओएमसीज को दूसरी तरफ रखें और साथ साथ बाकी कंपनियां रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में पर्टिकुलरली क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस भी आ जाएगा, तो अब कितनी ग्रोथ वहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आउट परफॉर्म करेगा वैसी जैसे पिछली बार किया था, या फिर ओएमसी जिनके अच्छे दिन लगातार अच्छी खबरों के साथ आ रहे हैं उस पर फोकस किया जाए, या फिर जो ये मूव की उम्मीद है ये हम बाकी तेल गैस कंपनियों पे लगाएं, आपका क्या व्यू है दलजीत? चलिए अच्छा संपर्क टूट गया, लेकिन सिद्धार्थ ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है, कोई प्रेफर्ड पिक है स्पेस में? हम मानते हैं कि डाउनस्ट्रीम में बीपीसीएल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, हम मानते हैं कि मार्केटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होते चल रहे हैं, साथ ही साथ इनके जो अपस्ट्रीम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब ऑनस्ट्रीम हो गए हैं, तो बीपीसीएल हम मानते हैं कि नतीजों के हिसाब से अच्छे आ सकते हैं। रिलायंस हमारे कवरेज में नहीं है, बट हम मानते हैं कि रिलायंस के भी नतीजे ठीक ठाक ही आएंगे, साथ ही साथ रिलायंस में जिस हिसाब से अपमूव देखा है हमने जियो को लेके और उसका कमर्शियल लॉन्च को लेके, ट्रेडिशनल बिजनेस हम मानते हैं कि काफ़ी अच्छा कर सकता है, जीएनएम्स भी ठीक ठाक रह सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से पेटकेम और रिफाइनिंग साइड पे बिजनेस अच्छा रह सकता है रिलायंस का, बट ओवरऑल स्पेस में अगर देखा जाए प्रेफर्ड बेट्स के हिसाब से तो बीपीसीएल पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर सिद्धार्थ पूरे स्पेस में ही यानी कि केन इंडिया और ONGC जैसी कंपनियों को अगर तलाशा जाए, उनके कंपैरिजन में छोटी कंपनियां जैसे MRPL हुआ या फिर तमिलनाडु पेट्रोल जैसी कंपनियां, सदन पेट्रोल जैसी कंपनियां, इन तरह की कंपनियों में आपका क्या चॉइस है कि ज़्यादा बेटर फ्रंटलाइन करेगा या पिछली बार की तरह जो मिड कैप है वो ज़्यादा बेटर आउट परफॉर्म कर सकती हैं? देखिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस भी थोड़े से ऊपर आए हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे फ्रंट लाइन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं मिड कैप के मुकाबले। जी तो हो सकता है फ्रंट लाइन की तरफ से कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन पर्टिकुलरली आपको OMC संघ के ऊपर जरूर नज़र रखनी होगी। आज के लिए हालांकि इस पूरे स्पेस में फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ काम काज हो, लेकिन अदरवाइज नंबर्स के लिहाज से इसे और साथ साथ रिलायंस, अभी सिद्धार्थ ने बात बोला कि रिलायंस एक ऐसा शेयर रहेगा जो इन फोकस रहेगा इस पूरे स्पेस के अंदर, आप उसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं। दलजीत से भी हमारा दोबारा संपर्क हो गया है। दलजीत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर पर्टिकुलरली आपकी राय जानना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑयल एंड गैस का इंपैक्ट तो रहेगा ही और टेलीकॉम भी प्ले करेगा, आप क्या व्यू रखते हैं इसके नतीजों को लेकर? दलजीत आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। रिलायंस को लेकर आपका व्यू क्या है? रिलायंस को लेकर हमारा व्यू देते हुए इनफैक्ट हमें लगता है कि काफी बड़ी पोटेंशियल है यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट देने का, क्योंकि अभी तक कुछ रिलायंस के स्टॉक परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो सिर्फ टेलीकॉम का सेटिंग, और अब टेलीकॉम के नंबर आने तो दिखता लगेगा, टेलीकॉम का प्रॉब्लम भी आने वाला है। जी चलिए संपर्क पूछना सज नहीं पा रहा, लेकिन हाँ उनका ये जरूर कहना है कि टेलीकॉम स्पेस को लेकर यहाँ पे जो नंबर्स हैं थोड़े बेहतर रहेंगे। दलजीत अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका एक व्यू मैं चाहूँगा बाकी ओएमसी संघ के ऊपर भी, ऑयल एंड गैस में क्या प्रिफर्ड चॉइस ऑयल एंड गैस में अपस्ट्रीम कंपनीज होंगी या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए? दलजीत आप सुन पा रहे हैं? अपस्ट्रीम कंपनीज को हम प्रेफर करेंगे, हमें लगता है कि ONGC और ऑयल इंडिया दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर नंबर्स बेटर भी आ सकते हैं। हालांकि क्रूड के प्राइसेस कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन ये कंपनियों के जो नंबर्स जी बेटर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर दलजीत आपने आप समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा आपका वॉइस ऑडिबल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं उनको प्रेफर करेंगे कंपेरेटिवली ऑयल एंड मार्केटिंग स्पेस के। तो एक चीज़ तो साफ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं ये दोनों ही जानकारों की पसंद है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर्स की बात है तो उसमें टेलीकॉम अगला नाम होगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज रहे, और सिद्धार्थ रादर ये पूरा स्पेस इस पूरे क्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा, प्राइस वॉर की वजह से मार्जिन हिट का इम्पैक्ट शायद इस क्वार्टर नहीं तो अगले कुछ क्वार्टर तक रहे, डेटा वॉर का जो इम्पैक्ट है
आप कितना देख रहे हैं Q4 के नंबर्स पे, और आपको लगता है कि इस सेक्टर से कोई कंपनी पिक करनी हो तो कौन सी हो सकती है? देखिए, Q4 में हम नहीं मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर हुआ है, और नंबर्स में मोर और लेस Q3 के मुकाबले ही रहेगा। जो देखना है वो है Q1, क्योंकि कमर्शियल लॉन्च जियो का भी हुआ है, और हम मानते हैं कि अब ये सारी कंपनियां डेटा वॉर में जाएगी, तो यहाँ से और दो क्वार्टर्स में ज़रूर प्रेशर रह सकता है इन टर्म्स ऑफ आरपूज मार्जिन इज कंसर्न। तो मैं इस स्पेस में कोई अभी बेट नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये स्पेस को एक बार सेटल हो जाना पड़ेगा। कंसोलिडेशन ज़रूर हो चुका है ये पूरी स्पेस में, और ये कंसोलिडेशन के बाद एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग वॉर रहेगा। तो दो क्वार्टर्स के लिए मैं ये पूरे क्षेत्र को, सेक्टर को अवॉइड करना चाहूँगा। जी, तो सेक्टर को आप अवॉइड करें, लेकिन जैसा कि अभी सिद्धार्थ ने कहा कि Q1 में इसका मेजर इम्पैक्ट दिखेगा, Q4 में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ और भी है सिद्धार्थ, कि अगर मिड कैप स्पेस में चाहें, यानी कि अगर आप अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स देखें, आपका क्या व्यू है? कि आपको लगता है कि फ्रंट लाइन की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, या मिड कैप कंपनीज में जो पॉकेट स्पेसिफिक है, जैसे कि एयरलाइन हो गया, या फिर पेपर हो गया, सेरामिक्स हो गया, प्लाईवुड हो गया, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, तो ऐसे छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस पिक एंड चूज करने की जरूरत है, और वहां पे अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। आपका क्या आकलन कहता है, कहां पे दाव लगाएं? देखिए, मैं मानता हूँ कि मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे आपने दर्शाया है कि एक पॉकेट्स में ही ग्रोथ आ रहा है, तो वही पॉकेट्स को पिक करना चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे कि आपने प्लाईवुड की बात की, तो इस सारे कंपनियों में सेंचुरी प्लाईवुड हमें बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से लैमिनेट्स का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने किर्लोस्कर ब्रदर्स कहा कैपिटल गुड्स में, अगर फर्टिलाइज़र या रूरल थीम से जुड़ी हुई बात करें, तो हम मानते हैं कि पिडिलाइट UPL, PI इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये सारे मिड कैप स्पेस में हम मानते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। साथ ही साथ अगर कंजम्पशन को जोड़ दिया जाए, तो कंजम्पशन में कंपनीज लाइक जाइडस वेलनेस, कुछ एक लार्ज कैप या साइजेबल मिड कैप कंपनियां हैं, हम मानते हैं कि ब्रिटानिया और इमामी, यहाँ पे भी एक उम्दा वॉल्यूम ग्रोथ दिखने मिल सकता है Q4 में। और जो भी डीमोनेटाइजेशन के जो भी इम्पैक्ट थे वो Q4 में पूरी तरीके से निकल सकते हैं। तो इमामी और ब्रिटानिया पे ज़रूर दाव लगाया जा सकता है FMCG और कंजम्पशन स्पेस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी सेक्टर्स पर बातचीत करने के लिए, और अक्रॉस द बोर्ड कहाँ पर दाव लगाए, किससे दूर रहें से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए।